वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी द जज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी प्यारी मूवी है और इसके लीड रोल में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि हमारे आयरन मैन। मूवी की शुरुआत में हमें बड़ा गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है और ये सिटी है शिकागो। और इस सिटी के कोर्ट हाउस बाथरूम में एक आदमी अपनी टंकी खाली कर रहा था, तब माइक कतान नाम का आदमी उसे चौंका देता है। तो ऑब्वियसली वो आदमी माइक की तरफ मुड़ जाता है और उसे ढंग से भिगो देता है। खैर मजाक से अलग, माइक कतान एक डिफेंस लॉयर है और उसी की तरह यह महाशय भी डिफेंस लॉयर हैं, जिसका नाम हैंक पाल्मर है। माइक हैंक से पूछता है कि हैंक तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम हर बार गिल्टी पर्सन का केस लड़कर उन्हें आजाद कराते हो। तो हैंक स्माइल करके बोलता है कि बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि वही लोग मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हियरिंग के दौरान हैंक को उसके घर से कॉल आता है कि उसकी मदर गुजर चुकी हैं। तो वो जज से केस के लिए न्यू डेट मांगता है, जिसके लिए जज मान जाता है। इसके बाद हमें एक प्यारा सा घर दिखाया जाता है जो कि हैंक का है, और जहाँ पर उसकी प्यारी सी बच्ची हैंक से गांव चलने की डिमांड कर रही है, मगर हैंक उसे जैसे तैसे मना लेता है। मगर जाते जाते उसका अपनी वाइफ से झगड़ा हो जाता है। असल में उसकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो हैंक उसे डाइवोर्स देना चाहता है। इसके बाद हैंक फ्लाइट लेकर इंडियाना के लिए निकल जाता है। इसके बाद काफी लंबे सफर के बाद हैंक अपने होम टाउन पहुंच जाता है। इसके बाद हैंक फ्यूनरल होम में जाकर अपनी माँ की डेड बॉडी देखता है और उन्हें याद करता है। इसके बाद एंट्री होती है डेल की, जो कि हैंक का छोटा भाई है, जिसकी काफी वीक पर्सनैलिटी है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करता है। और फिर हम ग्लेन को देखते हैं, जो कि हैंक का बड़ा भाई है और वो एक शॉप चलाता है। इसके बाद हैंक लोकल कोर्ट हाउस जाता है जहाँ कोर्ट हियरिंग चल रही है, और यहाँ मौजूद ओल्ड जज जोसेफ पाल्मर हैं और ये आदमी हैंक के फादर हैं। वैसे ये कोर्ट हियरिंग कम गांव की पंचायत ज्यादा लग रही है, जहाँ जज केस में बीच बचाव करने का ट्राई कर रहा है। हैंक भी ये सब देखकर स्माइल करने लगता है कि ओल्ड पीपल्स भी एज के साथ सेंटिमेंटल हो जाते हैं। इसके बाद जज के साथी उसे तसल्ली देने लगते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ का कल फ्यूनरल जो है, मगर तभी जज को हैंक नजर आ जाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन काफी रिलीफ फील करता है। और गाइस वैसे लगता है कि हैंक और जज के बीच का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है। इसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते हैं, जहाँ ओल्ड मैन अपने बच्चों को खूब खरी खोटी सुनाता है कि कोई भी टाइम पर घर लौट कर नहीं आया। मगर जब हैंक अपने रूम जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम को तो स्टोर रूम बना दिया गया है, और तो और उसके रुकने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिसे देखकर हैंक काफी अपसेट है। नेक्स्ट डे ये सभी लोग एक लोकल डाइनर जाते हैं, जहां हैंक काफी लेट पहुंचता है और रूडली बोलता है कि मुझे यहां इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, मगर बाकी तीनों बाप बेटे यहां से उठकर चले जाते हैं। और यहां पे हमें क्लियर होने लगता है कि जज हैंक को अपना बेटा नहीं मानता और न ही हैंक जज को अपना फादर। इसके बाद खाना खाते समय हैंक को अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि काफी हट्टी कट्टी है और उसका नाम समानता है। वैसे ये लेडी इस डाइनर में 20 साल से काम कर रही है, और उसे देखकर हैंक काफी सरप्राइज्ड है। और फिर ये दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग फ्यूनरल में शामिल होते हैं, मगर यहाँ भी हैंक और जज एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद रात को हैंक अपने भाइयों को रिमाइंड करता है कि ओल्ड मैन पे नजर रखो कि कहीं वो माँ को याद करते करते दारू न चढ़ा लें। मगर ग्लेन जज को चेक करने जा पाता, उससे पहले ही जज यहाँ आकर बोलता है कि मैं ग्रोसरी जा रहा हूँ। इसका जज हैंक से कहता है कि अपनी माँ की फ्यूनरल में आने के लिए शुक्रिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सब सुनकर हैंक काफी दुखी है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए ग्लेन उसे एक बार में ड्रिंक के लिए ले जाता है, जहाँ की एक बार टेंडर को देखकर हैंक के मन में लड्डू फूटने लगता है। मगर थोड़ी ही देर में यहाँ मौजूद लोग इन भाइयों के फादर जज को बुरा भला बोलने लगते हैं कि जज जोसेफ ढंग से काम नहीं करते, वो कोर्ट हाउस में अपनी मर्जी चलाते हैं। तो ये सब सुनकर ग्लेन की सनक जाती है और वो इन लोगों को कूटना चालू कर देता है, मगर हैंक इस फाइट को बड़ी आसानी से रुकवा देता है। तो ये सब देखकर वो यंग बारटेंडर लड़की, जिसका नाम कार्ला है, काफी इम्प्रेस होती है। और फिर ये हैंक अपनी आधी उम्र की लड़की को पटाने लगता है। खैर हैंडसम मिडिल एज्ड पर्सन जो है, वो जल्दी कार्ला को फंसा लेता है, और फिर इनका कबड्डी मैच चलता है, जिसे देखकर ग्लेन और डेस शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट डे हैंक गैराज खोलता है, तो वो देखता है कि कल रात उसके डैड अपनी कार को कहीं ठोक लाए हैं। तो ये तीनों भाई कार को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर जब जज यहाँ आकर अपनी कार की हालत देखता है, तो वो उल्टा अपने बच्चों पर ही भड़क उठता है कि तुम में से कौन सा मेरी कार को ठुकलाया। तो हैंक जज से बोलता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि कल रात तुम ही कार को लेके गए थे। तो जज बोलता है कि ये बात बोल कौन रहा है, जो खुद की वाइफ तक को तो संभाल नहीं सकता और मुझे सिखा रहा है। जज बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी वाइफ किसी के साथ गुलछरे उड़ा रही है। तो हैंक की ये सब सुनकर सनक जाती है और वो ये कहकर यहाँ से निकल जाता है कि वो अब कभी भी घर लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद जब हैंक अपनी फ्लाइट में बैठकर शिकागो के लिए निकलने ही वाला था, तब उसे ग्लेन का कॉल आता है, जो बोलता है
कि पुलिस ने डैड को पकड़ लिया है, जल्दी से घर लौट के आ जाओ, क्योंकि पुलिस को लगता है कि डैड ने कल रात किसी को मार दिया है। इसके बाद हैंक पुलिस थाने चला जाता है, जहां जज से पूछताछ चल रही है। तो हैंक यहां पर आके अपने फादर की हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर जज हैंक की हेल्प लेना नहीं चाहता। इसके बाद दो पुलिस वाले हैंक के पास आकर बताते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, तुम्हारी डैड की कार पे विक्टिम का ब्लड मिला है। इसके बाद जज को अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर हैंक जज की बेल करवा लेता है। इसका डेल पूछता है कि विक्टिम आखिर है कौन, तो ग्लेन बताता है कि विक्टिम मार्क ब्लैकवेल नाम का आदमी है, जिसको हमारे फादर ने पहले कभी सजा दिलवाई थी। मगर जज क्लियर करता है कि मेरी नजर में मार्क एक शरारती बच्चा है, जिसने अपने गर्लफ्रेंड के घर जाकर गोली चला दी, मगर कोई हट नहीं हुआ, तो मैंने हियरिंग के दौरान उसे 1 महीने जेल की सजा सुनाई थी, मगर जिस दिन मार्क आजाद हुआ उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई, और ये काम मार्क का ही था। इसका जज बोलता है कि मेरी कार से एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो हैंक बोलता है कि मैं आपका केस लड़ूंगा, जिसके लिए जज साफ इनकार कर देता है कि वो हैंक के बजाय इंडियाना के ही किसी लोकल लॉयर को हायर करेगा। तो हैंक भी कार से उतरकर पैदल ही चल देता है। इसके बाद घर जाकर डेल और हैंक अपने बचपन की वीडियोस देखते हैं और अपनी मदर को याद करते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते थे। नेक्स्ट डे हैंक और जज एक शॉप जाते हैं और शॉप ओनर से मिलते हैं। वैसे ये आदमी नाम के लिए लॉयर है, पर उसका रियल बिजनेस ये शॉप है, और ये आदमी पूरी तरह से अनाड़ी है, और गाइस इसका नाम वैसे सीपी है। इसके बाद सीपी इन्हें बताता है कि आपके केस का प्रोसिक्यूशन डिकम नाम के लॉयर को दिया गया है, जो कि काफी अच्छा लॉयर है। तो हैंक सीपी की केस लड़ने में हेल्प करने का डिसाइड करता है, मगर सीपी को लॉ के कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं है, तो हैंक को उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसके बाद जज के केस की हियरिंग चालू हो जाती है, मगर हैंक के काफी समझाने के बावजूद सीपी हियरिंग के दौरान गड़बड़ कर देता है। तो हैंक गुस्से में सीपी में एक कॉपी फेंक कर मारता है, तो कोर्ट डिस्टरबेंस की वजह से हैंक को कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है, और अब ये केस जज जोसेफ के अंगेस्ट ज्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट डे जज हैंक को बताता है कि सीपी अब मेरा केस लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो लॉयर बनने लायक नहीं है। तो हैंक बोलता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा लॉयर बनके केस लड़ सकता हूँ, जिसके लिए जज एट लास्ट मान जाता है। तो फिर हैंक और जज उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर जज ने मार्क को अपने कार से ठोका था, ताकि वो कुछ क्लूज ढूंढ सके जो जज को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। मगर जज को तो याद ही नहीं है कि वो इस रोड से गया भी था या नहीं, और इवन उसका एक्सीडेंट हुआ भी था या नहीं, जिससे मार्क मारा गया। मगर इन सब बातों में मार्क को पता चल जाता है कि उसके फादर को लास्ट स्टेज कैंसर है। तो हैंक आइडिया देता है कि अगर हम कोर्ट में साबित कर दें कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है, तो आपको जेल नहीं होगी। कोई भी जज आधी कब्र में लटके हुए आदमी को जेल नहीं भेजेगा। मगर जज इस आइडिया के लिए साफ इनकार कर देता है कि वो बीमार होने का बहाना बना के जेल से बचना नहीं चाहता। तो इसी बात में इन बाप बेटों में फिर से झगड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हैंक साइकिलिंग करने जाता है, मगर हाथ छोड़ के चलाने के चक्कर में वो पटक खा के गिर जाता है, और ये सब सीन उसकी ओल्ड आइटम समाता भी देख लेती है। तो वो हैंक को अपने साथ कार में टाउन की तरफ ले जाने लगती है, मगर जब वो कार में समांता की बेटी को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि ये लड़की तो कार्ला है, जिसके साथ हैंक का एक कबड्डी मैच ऑलरेडी हो चुका है। तो हैंक कार में ऐसे बिहेव करता है कि वो कार्ला से मिला ही न हो, मगर समांता बातों ही बातों में हैंक को कार्ला की बर्थ डिटेल्स बताने लगती है। तो हैंक को डाउट होने लगता है कि कहीं कार्ला उसकी खुद की बेटी तो नहीं है। इसके बाद इसी तरह हैंक को टाउन में रहते रहते काफी टाइम हो जाता है, तो वो शिकागो जाकर अपनी बेटी लॉरेन को इंडियाना ले आता है, ताकि वो टाउन में अपना वैकेशन मना सके। हैंक लॉरेन को समझाता है कि वो अपने ग्रैंडपा से बचकर रहे, क्योंकि जज तो क्रेजी ओल्ड मैन है। मगर जज अनएक्सपेक्टेडली लॉरेन को बहुत प्यार से ट्रीट करता है और उसे घर की सैर कराने ले जाता है। रात को लॉरेन हैंक से बोलती है कि ग्रैंडपा तो बहुत अच्छे हैं, मगर हैंक को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में तो जज खिसका हुआ है। इसके बाद हैंक अपनी ओल्ड आइटम के साथ फ्लाइंग डियर डाइनर जाता है, वो भी पीछे की खिड़की से, और फिर ये लोग मस्त डिनर करते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। इसका समानता हैंक को बताती है कि हमें विंडो से अंदर आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये डाइनर मेरा है, मैंने इसे खरीद लिया है। असल में समानता और हैंक की जवानी की काफी यादें इस डाइनर से जुड़ी हुई हैं। तो समानता ने इस डाइनर को खरीद लिया है और अब वो इस डाइनर को खुद ही चलाती है। इसका इनके बीच में रोमांस चालू जाता है, मगर न जाने क्यों हैंक समानता के एडवांस को रिजेक्ट कर देता है, जिससे समानता काफी नाराज है। इसके बाद हैंक जज के डॉक्टर से मिलकर उसकी कंडीशन पूछता है, तो डॉक्टर बताता है कि जज को लास्ट स्टेज कैंसर है, जिस वजह से उनकी मेमोरी बहुत वीक हो चुकी है और इवन वो ब्लैकआउट कर जाते हैं। तो अगर उनसे मार्क का एक्सीडेंट हो गया हो और उन्हें इस इंसिडेंट का कुछ भी याद न रहा हो, तो ये उनके केस में नॉर्मल बात है। इसका डॉक्टर बोलता है कि सच कहूँ तो जज इस केस को जीतना ही नहीं चाहते, तभी तो वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हैंक अपनी बेटी को कार राइड पे ले जाता है और इवन उसे कार चलाना भी सिखाता है। लॉरेन पूछती है कि डैडी
आप मॉम से डाइवोर्स क्यों ले रहे हो? तो ये सुनकर हैंक काफी सरप्राइज्ड है कि लॉरेन को इस बारे में कैसे पता चला, मगर फिर भी वो लॉरेन को सच बता देता है। इसके बाद जब हैंक लॉरेन को शिकागो छोड़ने जाता है तो वो देखता है कि लॉरेन की कुछ कुछ हरकतें समानता की बेटी कार्ला जैसी हैं। तो वो घर जाके अपनी नोटबुक चेक करता है, जिसके हिसाब से हैंक और समानता ने लास्ट टाइम रोमांस किया था उसके ठीक 9 महीने बाद ही कार्ला पैदा हुई थी। और तो समानता ने हैंक की याद में अभी तक शादी भी नहीं की है, तो हैंक परेशान है कि कहीं कार्ला उसकी बेटी तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में अपने क्लेवरनेस और स्मार्टनेस के दम पर हैंक केस को अपने फेवर में कर ले पाए और बोलता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कोई भी ब्रेक मार्क नहीं था, न तो जज की कार के और न ही मार्क की बाइक के। या तो जज को मार्क दिखाई नहीं या मार्क ने खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं की। जो भी हो, इस केस में एक ओल्ड मैन को गिल्टी ठहराया नहीं जा सकता। इसके बाद हैंक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और हैंक को उस रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिस रात मार्क मारा गया। हैंक देखता है कि जब मार्क स्टोर से अपनी बाइक में निकला था उसके कुछ ही मिनट बाद जज ने मार्क का अपनी कार से पीछा किया था। इसके बाद मार्क की फैमिली का लॉयर हैंक से कहता है कि अब मेरे पास एविडेंस है और अब मैं कोर्ट में जज को हत्यारा घोषित कर दूंगा और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा, क्योंकि कुछ साल पहले हैंक ने इसे एक केस में बुरी तरह से हराया था। तो वो जज का नाम बर्बाद करके हैंक को शर्मिंदा करना चाहता है। इसके बाद टाउन में जोरदार सायरन बजने लगता है जो कि टोर्नेडो आने की वार्निंग थी। तो सभी रोड्स खाली हो जाती हैं और सभी लोग घरों में छुप जाते हैं। और तो और जज की फैमिली तो घर के बेसमेंट में सेटल हो जाती है, जहां डेल फैमिली को पुरानी वीडियोस दिखाता है, जहां पे हम देखते हैं कि पहले जज हैंक को बेहद प्यार किया करता था, मगर फिर वीडियो में एक एक्सीडेंट रिलेटेड वीडियो चालू हो जाती है। तो जज को याद आ जाता है कि ग्लेन पहले स्टार बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, मगर इस एक्सीडेंट के बाद वो बेसबॉल खेलने लायक नहीं बचा। तो जज गुस्से में वीडियो प्लेयर को नीचे गिरा देता है कि कहीं इस वीडियो को देखकर ग्लेन को फिर से चोट ना पहुंचे, मगर हैंक जज की मनमानी देखकर भड़क उठता है कि आप जो चाहे वो करते हो, आपने पहले मुझे केस में नहीं रखा और आपने मुझसे झूठ भी बोला है कि आपने उस रात मार्क का पीछा नहीं किया था। मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर ये केस हारना चाहते हो। अब डिकम के पास सबूत हैं और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जज भी बोलता है कि भाड़ में जाओ। गाइस, असल में जज हैंक से इस बात से नाराज है कि हैंक पिछले 20 साल में अपने फादर और फैमिली से मिलने नहीं आया। और तो और इस सब का जिम्मेदार हैंक की माँ जज को ही मानती थी। तो हैंक भी बोलता है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझे छोटे से केस के लिए जुवेनाइल प्रिजन भिजवा दिया था। तो जज भी भड़कते हुए बोलता है कि तुमने दारू के नशे में कार एक्सीडेंट किया था और उस कार एक्सीडेंट में ग्लेन को काफी चोट आई, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया और अब वो बस एक टायर शॉप चलाता है। और अगर वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो ग्लेन एक बेसबॉल स्टार होता। तुमने ही ग्लेन का फ्यूचर बर्बाद किया है, तो तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। इसका नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग चालू हो जाती है, जहां कोर्ट में डिकम ग्रोसरी स्टोर की फुटेज दिखाता है जिसमें जज और मार्क शो हो रहे थे। तो वीडियो देखकर जज को उस दिन के इंसिडेंट याद आने लगते हैं, मगर फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां ट्रीटमेंट के बाद जज को होश आ जाता है। तो वो हैंक को बताता है कि मैंने ही मार्क को मारा है। तो हैंक स्माइल करके बोलता है कि डैड, मैं आपको इस केस में आसानी से बचा सकता हूँ, मगर इस केस में रियल प्रॉब्लम तो आप ही क्रिएट कर रहे हैं। हैंक कहता है कि प्रोसिक्यूटर के पास क्लियर एविडेंस नहीं है, मगर आप इस केस में खुद को डिफेंड करना ही नहीं चाहते, तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूं? इसके बाद नेक्स्ट हियरिंग के दौरान जज को कटघरे में लाया जाता है, जहां जज से पूछताछ होती है, जहां डिकम कहता है कि आप मार्क से नफरत करते थे, क्या आप चाहते थे कि वो मारा जाए? तो जज जवाब देता है कि हाँ, मैं मार्क से नफरत करता था और मैं चाहता भी था कि वो मारा जाए, मगर मुझे मार्क के साथ एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो केस बिगड़ता देखकर हैंक अपने टर्न आने पे जज से पूछता है कि क्या आपका किसी बीमारी का इलाज चल रहा है जिसकी वजह से आप चीजों को याद नहीं रख पाते? तो ये सुनकर जज भड़क जाता है। सो गाइस, ये मूवी का मेन पार्ट है कि असल में उस रात जज ने मार्क को अपनी कार से ठोका था, ये बात बिल्कुल सही है, मगर उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो अगर ये प्रूव हो गया कि पिछले 6 महीनों में जो भी केस जज ने हैंडल किए हैं उनके दौरान जज की मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, तो उन सभी केसेस को भी मिस्ट्रायल या जज की मिस्टेक करार कर दिया जाएगा, जिससे जज की बहुत बदनामी होगी। इसलिए जज ये बात छुपाना चाहता है कि उसे पिछले 6 महीने से कैंसर है, क्योंकि उसे जेल से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। इसके बाद जोसेफ बताता है कि उस रात स्टोर में मुझे मार्क मिला था, जिसने अपने गंदे मुंह से कहा कि वो मेरी वाइफ की कब्र पे टंकी खाली करेगा, वो भी रोज, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मगर मुझे याद नहीं है कि मैं उसके पीछे क्यों गया, और ये भी याद नहीं है
कि मैंने ही मार्क को ठोका था और उस समय मेरे क्या इंटेंशन थे। इसके बाद कोर्ट का जज केस का फैसला सुनाने के लिए अगली तारीख देता है। इसके बाद हैंक समांता से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या कार्ला मेरी बेटी है। तो समांता बोलती है कि नहीं, वो ग्लेन की बेटी है, मगर वो इस बारे में जानता नहीं है। समांता कहती है कि जब तुम मुझे और इस टाउन को छोड़ के चले गए थे तो मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन ग्लेन पर निकाल दी, जिसका रिजल्ट कार्ला है। वैसे मैंने तुम्हें हर दम हर सेकंड प्यार किया है। तो ये सब सुनकर हैंक काफी रिली फील करता है कि एटलीस्ट कार्ला उसकी बेटी नहीं है, और फिर इन दोनों के बीच में फिर से रोमांस चालू हो जाता है। इस पर नेक्स्ट हियरिंग के दौरान जज अपना फैसला सुनाता है कि सभी सबूतों के आधार पर ये क्लियर है कि मार्क जज जोसेफ की कार से मारा गया है, मगर एविडेंस की कमी की वजह से ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये मर्डर था या इंसिडेंटल। तो सभी एविडेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जज जोसेफ पे मर्डर के बजाय मैनस्लॉटर के चार्जेस लगाए जाएं और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये सब देखकर हैंक काफी दुखी है और फिर जज जोसेफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हैंक फिर से माइक कतान से मिलता है और वो भी फिर से कोर्ट हाउस के बाथरूम में। मगर अब हैंक पूरी तरह से बदल चुका है, अब वो अच्छा आदमी बन चुका है। माइक हैंक को देखकर काफी खुश है, जैसे वो अपने रियल फ्रेंड से मिल रहा हो। असल में गाइस, पहले हैंक क्रिमिनल्स को डिफेंड करके खूब पैसे कमाता था, मगर अपने फादर के केस के बाद वो काफी बदल चुका है। अब वो क्रिमिनल्स का केस ले तो लेता है, मगर वो जानबूझकर केस हार जाता है और वो ऐसे ही लगातार काफी केस हार रहा है, यानी वो अपने ही तरीके से क्रिमिनल्स को सजा दिला रहा है। और ये सब देखकर माइक भी काफी खुश है कि उसके दोस्त हैंक को अब सही और गलत की पहचान हो गई है। अब वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता, उसके दिल में भी इंसानियत जग उठी है। तो माइक ये सब देखकर काफी खुश है। इसके बाद हमें 7 महीने बाद इंडियाना स्टेट प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हैंक अपने फादर को कुछ दिनों के लिए आजाद करवा लेता है और फिर ये दोनों बाप बेटे फिशिंग करने जाते हैं, जहां जज हैंक को बताता है कि मेरी नजर में तुम बेस्ट लॉयर हो, तुम पहले पैसा कमाने के चक्कर में गलत राह पे चले गए थे, मगर अब तुम अच्छे आदमी बन चुके हो और बेहतर लॉयर भी, और अब तुम मेरी रिस्पेक्ट के हकदार हो। तो ये सब सुनकर हैंक भी काफी खुश है कि एट लास्ट उसके फादर ने उसे अपना लिया। मगर अपनी बातें पूरी करके जज जोसेफ गुजर जाते हैं, मानो वो हैंक से लास्ट बार मिलने के लिए ही जिंदा थे और अब उनकी ख्वाहिश पूरी हुई, तो वो हैप्पीली चल बसे। इसके बाद जज का फ्यूनरल होता है और फिर ये सभी लोग खाना खाने जाते हैं, जहां समांता आकर बोलती है कि अगर तुम टाउन में ही सेटल होना चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो ये सब सुनकर हैंक स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि समांता उसे बहुत प्यार करती है और तो और उसने हैंक का 20 साल इंतजार किया। तो हैंक टाउन में सेटल होने का डिसाइड करता है। इसके बाद हैंक लोकल कोर्ट हाउस जाता है और जज की चेयर को ध्यान से देखता है। ये चेयर वही चेयर है जिस पर उसके पिता 42 साल तक बैठे थे, और अब शायद हैंक इस टाउन का न्यू जज है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।